जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ वर्षा दुबे। आई वेलकम यू ऑल इन माय सोशल साइंस क्लास। दिस वीडियो इज एक्चुअली द लास्ट वीडियो ऑफ क्लास 9 चैप्टर 3 हिस्ट्री। अब तक हम नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर से के चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ के थ्रू हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया, बट दिस इज़ द लास्ट वीडियो, ठीक है। एंड एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट, this is the last topic of this chapter. And through the previous video we had discussed that how had Hitler became powerful and his party suppressed the Jews, Polish, Gypsies and all who were against them. humne ab tak kya dekha, sab kuch humne discuss kar liya, kaise second world war hua, kya reason the, kya uska result hota hai, Hitler kaise rise karta hai, kaise uska downfall hota hai, है ना, कैसे वो पावरफुल बनता है, उसकी पार्टी के लोग कैसे ज्यूज पॉलिश शिप्सीज इन सबको टॉर्चर करते हैं, है ना, ये सब चीज़ें हम अब तक पढ़ चुके। हियर वी विल डिस्कस द होलोकॉस्ट। यहाँ पर हम होलोकॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। नाउ ऑल ऑफ यू आर थिंकिंग व्हाट इज़ होलोकॉस्ट, लेट्स डिस्कस दिस। व्हाट इज़ होलोकॉस्ट? रिकॉर्ड ऑफ द जेनोसाइड ऑफ द ज्यूज ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखिए, होलोकॉस्ट मीन्स विनाश या विध्वंस या डिस्ट्रक्शन, है ना, जिसको कहते हैं होलोकॉस्ट। अ सिचुएशन वेयर मेनी थिंग्स आर डिस्ट्रॉयड एंड मेनी पीपल डाई, उसको होलोकॉस्ट बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम कैसे माने कि ज्यूज़ के साथ इतना अत्याचार या क्राइम हुआ था। एक्चुअली जितनी परेशानी ज्यूज़ कम्युनिस्टी ने झेली थी, उन्होंने क्या किया, उसका रिकॉर्ड है और उसी को होलोकॉस्ट कहते हैं, जिससे अपकमिंग जनरेशन को ये सीख मिल सके कि जेनोसाइड मींस, जेनोसाइड मतलब क्या होता है, मास किलिंग, नरसंहार, है ना। लोगों को ये समझ में आए कि देख लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होने का या देश के भक्ति के नाम पर किस तरीके से हिटलर ने मास किलिंग की, डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन से उनको उखाड़ फेंका, इन सारी चीज़ों से इंडिया इन सारी चीज़ों से सभी देश रूबरू हो सके, ठीक है। तो लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट नाजी प्रैक्टिस केम आउट ऑफ द वर्ल्ड वॉर एंडेड। देखो, बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर द थिंग्स वेयर अंडर द कंट्रोल ऑफ हिटलर एंड हिज नाजी पार्टी एंड द मीडिया वॉज ऑल्सो अंडर हिज कंट्रोल। तो क्राइम जो हो रहे थे, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जितनी भी चीज़ें थी वो हिटलर और उसकी पार्टी के कंट्रोल में थी, इवन मीडिया भी थी, है ना। तो जितने भी क्राइम हो रहे थे उसकी रिपोर्टिंग दूसरे देश तक पहुँच ही नहीं पा रही थी। तब कोई आज जैसा एडवांस इंटरनेट या इंफॉर्मेशन मीडिया भी नहीं था, है ना, तो चीज़ें इतनी जल्दी दूसरे तक कैसे पहुंच जाती। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्यूज वांटेड द वर्ल्ड टू रिमेंबर द एट्रोसिटीज एंड सफरिंग दे हैड एंडर्ड ड्यूरिंग द नाजी किलिंग ऑपरेशन। देखिए, मींस जितना ज्यूज ने सफ़र किया वो सारी इंफॉर्मेशन को पूरी दुनिया को बताना चाहते थे कि दुनिया को भी पता चले, जिससे सबको ये सबक मिल सके, है ना। देयरफोर अ स्पिरिट टू बी विटनेस, यानी जिसको कहते हैं गवाह, है ना, देयरफोर अ स्पिरिट टू बी विटनेस एंड टू प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स कैन बी सीन अमंग मेनी ज्यूज एंड व्हेन द वॉर सीम टू लॉस्ट नाजी लीडर ट्राई टू डिस्ट्रॉय ऑल एविडेंस। मतलब ज्यूज कम्युनिटी गवाही देना चाहती थी, दुनिया को बताना चाहती थी कि देखो वो जर्मनी जो मीडिया में कुछ भी नहीं आने दे रहा, उसको अच्छे नाम देता है, गुड वर्ड्स यूज़ करता है, लेकिन आपको बताया था ना मैंने कि क्या डिसइंफेक्शन एरिया, गेटॉज गैस चेंबर्स का नाम उसने दिया था डिसइंफेक्शन एरिया, गेटॉज का एक्सक्लूजन का अलग अलग प्रोसेस का नाम दिया था, और सच्चाई कुछ और थी। तो जिन चीज़ों से दुनिया अब तक अनजानी है, ज्यूज़ के ऊपर कितना अत्याचार हिटलर और उसकी पार्टी ने किया है, वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें ज्यूज़ जो हैं वो दुनिया को बताना चाहते थे, है ना। उन्होंने कितना सफ़र किया है, ज्यूज़ कम्युनिटी गवाही देना चाहती थी पूरी दुनिया को, पर नाजी सपोर्टर नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि उनकी बातें बाहर आएं, है ना, उनका ये घिनौना रूप दुनिया के सामने आए। इसलिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो रहा था या ख़त्म हुआ, तो उन्होंने क्या किया, ये सारे जो गवाह थे, जो एविडेंस थे, उसको मिटाने का काम किया, है ना, उन्होंने, मतलब नाजी जो लोग थे। नेक्स्ट है, रिकॉर्ड सच एज डायरीज, नोटबुक्स एंड आर्चीव्स वेर कैरिंग टू द क्राइज ऑफ ज्यूज। देखिए, ये सारे रिकॉर्ड नाजी लीडर कोशिश कर रहे थे कि पेट्रोल से जला दें। यहाँ देखो, ये नीचे बहुत सारे यहाँ पे रिकॉर्ड दिए हुए हैं, अभी मैं बता भी देती हूँ, है ना।
इन्होंने क्या किया, जितनी भी उनकी डायरीज थी, जो नोटबुक्स थी जिसमें लोगों ने अपनी फीलिंग्स लिखी थी ज्यूज़ ने, है ना, जो भी चीज़ें थी, नाजी लीडर कोशिश कर रहे थे कि वो इसको पेट्रोल छिड़क के जला दें। दे हैड ट्राई टू डिस्ट्रॉय द एविडेंस ऑफ देयर क्राइम विद द हेल्प ऑफ देयर सपोर्टर्स, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल कम्प्लीटली। उन्होंने ऐसा किया भी लेकिन पूरी तरीके से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। कई ऐसे रिकॉर्ड आज भी मौजूद हैं जो हिटलर और उसकी नाजी पार्टी के अत्याचार की दास्तां, उसकी गवाही जो है वो देते हैं। एट लास्ट पेज ऑफ द बुक द एविडेंस हैड बीन शोन, है ना, बहुत सारे एविडेंस आपकी लास्ट पेज में बुक पे दिए हुए हैं। जैसे आप देख रहे हो, ये एक बोट है डेनमार्क की, यहाँ एक मिल्क कैन है और डायरी ऑफ एनी फ्रैंक है, है ना। ये जो बोट है, लिखा हुआ है इसमें डेनमार्क सीक्रेटली रेस्क्यूड देयर ज्यूज फ्रॉम जर्मनी, दिस इज़ वन ऑफ द बोट यूज्ड फॉर द पर्पस। सीक्रेटली डेनमार्क जो था वो जर्मनी से ज्यूज को इस नाव पे बिठा करके अपने साथ ले जा रहा था। ऐसी और भी बहुत सारी बोट्स थी लेकिन उनमें से एक एविडेंस ये बचा है। सेकेंड है, देखो, इन हैबिटेंट्स ऑफ द वॉर शो घेटो कलेक्टेड डॉक्यूमेंट प्लेस देम इन थ्री मिल्क कैंस अलॉन्ग विद अदर कंटेनर्स। एज डिस्ट्रक्शन सीम इमिनेंट दीज कंटेनर वेर बरीड इन सेलर्स ऑफ बिल्डिंग्स इन 1943। तो दिस कैन वॉज डिस्कवर्ड इन 1950। मतलब दूध के जो डब्बे थे उसमें वो एविडेंस छुपा छुपा के जो जीव्स थे वो बचाने की कोशिश कर रहे थे। जब उनको घेटोज में घसीट कर ले जाया जा रहा था तो दुनिया को अपने ऊपर हुए अत्याचार की स्टोरी बताने के लिए वो कुछ एविडेंस को दूध कंटेनर में, मिल्क कैन में रखने के छुपाने की कोशिश कर रहे थे। एक ये जो कंटेनर है ये ऐसे ही कंटेनर्स में से एक है जो 1950 में डिस्कवर किया गया। नेक्स्ट है, आप देखिए, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, है ना, ये एक यंग गर्ल थी जिसने सारी दास्तां लिखी थी। 15 साल की एक यंग गर्ल थी एनी फ्रैंक, जिसने एक ज्यूज गर्ल थी जिसने वो सारी दास्तां लिखी कि क्या कुछ उसने देखा अपनी आंखों से और क्या कुछ ज्यूज झेल रहे थे, सारी चीज़ें उसमें उन्होंने लिखी हैं। तो इन दिस वे ज्यूज ट्राई टू सेव द एविडेंस ऑफ क्राइम अगेंस्ट देम एंड नाजीज ट्राई टू डिस्ट्रॉय देम। एनी फ्रैंक वॉज अ 15 ईयर्स ओल्ड गर्ल हु सफर्ड अ लॉट ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड रोट एक्सपीरियंस इन हर डायरी। At last she died and her diary published in a form of book. एने फ्रैंक को बाद में मर गई, वो भी 15 साल की लड़की थी, उसको भी मार दिया गया, लेकिन उसकी डायरी जो है वो बुक के फॉर्म में दुनिया के सामने आई। तो इस तरह से होलोकास्ट लोगों तक पहुँचा। लास्ट है, लास्ट पॉइंट, मेमोरी ऑफ द होलोकास्ट आर ट्रिब्यूट टू दोज हु रेसिस्टेड एंड एम्ब्रेसिंग रिमाइंडर टू दोज हु कोलैबोरेटेड एंड अ वार्निंग टू दोज हु वॉच्ड इन साइलेंस, है ना। वी विल फिनिश दिस टॉपिक विद दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के साथ हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे कि दिस होलोकास्ट इज़ अ ट्रिब्यूट टू दोज हु रेसिस्टेंस मीन्स जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी एंड अ रिमाइंडर टू दोज हु क्रिएटेड क्राइम एंड अ वार्निंग टू देम हु रिमेन पैसिव और इनएक्टिव ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि आगे भी अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई तो ऐसी घटनाएँ हो सकती हैं। ये स्टेटमेंट क्या कहता है? ये स्टेटमेंट ये कहता है कि होलोकास्ट एक्चुअली ट्रिब्यूट हैं, श्रद्धांजलि हैं उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने इतनी डेयरिंग की आवाज़ उठाने की, और उन लोगों को एक चेतावनी है जिन्होंने हिटलर और उसकी पार्टी के हुए अत्याचारों के प्रति पैसिव रवैया अपनाया, है ना, और आगे दुनिया को ये संकेत देना चाहते थे कि देखिए अगर हमने आवाज़ उठाना नहीं शुरू किया अत्याचार के खिलाफ तो दुनिया में ऐसी घटनाएँ आगे भी हो सकती हैं। तो इन दिस वे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, और इस तरीके से इस टॉपिक के साथ साथ चैप्टर भी ख़त्म होता है। काफ़ी कुछ डीपली हमने डिस्कस किया, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा प्रोबेबल क्वेश्चंस के बारे में, जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, द नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर से रिलेटेड कुछ चैप्टर हैं, कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे आपसे एग्ज़ाम में, मैं ये नहीं कहती कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन जो प्रोबेबल क्वेश्चन है जिनकी संभावना होती है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे हु वॉज हेलमेट एक्सप्लेन द रीज़न फॉर हिज फेयर, ये मैंने आपको शुरू में फर्स्ट वीडियो में बताया था। हेलमेट कौन था? एक छोटा सा यंग बॉय, उसी के थ्रू स्टोरी शुरू होती है इस चैप्टर, उसकी स्टोरी से ही इस चैप्टर की शुरुआत होती है कि उसके फादर कैसे नाजी पार्टी के सपोर्टर थे और युद्ध हार जाने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो अपनी वाइफ से ये बात करते हैं कि भाई अब तो नाजी पार्टी जो है वो हिटलर ने खुद को सूट कर लिया, अब हमारी पार्टी भी ख़त्म हो चुकी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम ज्यूज़ के हाथ लग जाएँ और वो भी हमसे वैसे ही बदला लें जैसा हमने उन पर अत्याचार किया,
है ना। तो इससे बेहतर है कि दुश्मन के हाथ लगने से बेहतर है कि हम खुद अपने परिवार सहित खुद को ख़त्म कर लें। तो यही था, ये सारी चीज़ें आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। सेकेंड है वेमार रिपब्लिक, व्हाई इट वॉज नॉट रिसीव्ड वेल बाई इट्स पीपल, व्हाट वेयर द इनहेरेंट डिफेक्ट्स इन इट। ये अक्सर आपसे पूछता है ना, वेमार रिपब्लिक क्या है, इसमें क्या इनहेरेंट डिफेक्ट थे, डेमोक्रेटिक होने के बावजूद क्यों लोगों ने इसका वेलकम नहीं किया। ये भी मैंने आपको अलग से एक स्पेसिफिक वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश की है ना, कैसे वेमार रिपब्लिक जो है वो ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स साइन करती है और लोग उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, जर्मनी के लोग, कि चूँकि आपने ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स को साइन किया है और हम सारा टॉर्चर सारी जिल्लत इसीलिए झेल रहे हैं, है ना, इसलिए लोग वेमार रिपब्लिक से उब जाते हैं और दूसरा अल्टरनेट तलाशते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स, है ना, आर्टिकल 48, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये सब कुछ हमने इसमें बताया है, ये इंपॉर्टेंट भी है। फिर नेक्स्ट है हु वेयर नवंबर क्रिमिनल्स, ये भी आपसे 1 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स नवंबर में साइन हुई थी इसलिए इसको नवंबर क्रिमिनल्स बोला जाता है इन्हें। नेक्स्ट है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ वॉर इन जर्मनी, है ना। अब इम्पैक्ट में आपसे सब पूछा जा सकता है, जैसे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, है ना, जिसमें आपने देखा था ना कि ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाइड किया गया, लोग बदला लेना चाहते थे। फिर इकोनॉमिकल इम्पैक्ट की बात की गई, जिसमें रूल रीजन और कंपनसेशन वगैरह की बात की गई, है ना। पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात की गई, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेमार एंड स्पार्टसिस्ट लीग की चर्चा हमने की थी। आप उस वीडियोज़ को देखोगे आपको फिर से सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म आफ्टर वॉर या फिर स्पार्टसिस्ट लीग के बारे में, है ना, इसके भी लिए स्पेसिफिक वीडियो मैंने दिया है। सेंस ऑफ कहते हैं ना कि इन सिक्योरिटी या फिर स्पार्टसिस्ट लीग कैसे बनी, ये सारी चीज़ें पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट है रीज़न फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस एंड हाउ डिड द क्राइसिस गॉट कन्वर्टेड इनटू ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, है ना, तो सिचुएशन ड्यूरिंग इट क्या थी, इसको आप एक्सप्लेन करोगे। जैसे वॉर गिल्ट क्लॉज था, है ना, करेंसी की वैल्यू आपने देखा था ना, जर्मन मार्क की वैल्यू कम हो गई थी, रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई कर लिया था फ्रांस और अदर कंट्रीज़ ने क्योंकि वो कंपनसेशन की भरपाई करना चाहते थे, है ना, ये सारी चीज़ें आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है ब्रीफ अकाउंट ऑफ हिटलर्स स्ट्रगल टू पार, व्हाट वाज हिज स्ट्रेटजी टू गेन सपोर्ट ऑफ जर्मन्स। इसमें आप ये बताओगे कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी हिटलर बनाते हैं, फिर चांसलर बनते हैं, फिर अलग अलग स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, जैसे मैसिव रैलीज, राउंड ऑफ क्लॉज, है ना, इमेज कंस्ट्रक्शन अपनी करते हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें एक्सप्लेन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द होल एपिसोड हाउ द डेमोक्रेसी वॉज डिस्ट्रक्टेड इन जर्मनी, है ना, इसमें पूरा डिस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी वाला टॉपिक होगा। चांसलर बनते हैं, कम्युनिस्ट को हटाते हैं, रूल ऑफ डिक्री लाते हैं, स्लोली वो फिर डिक्टेटर बन जाते हैं और सीक्रेट पुलिस बनाते हैं टू कंट्रोल द अपोजिशन, है ना, जो उनके खिलाफ जो लोग आवाज़ उठा रहे थे उनको कंट्रोल करने के लिए। फिर है रिकन्स्ट्रक्शन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिकन्स्ट्रक्शन। अगर आपसे रिकन्स्ट्रक्शन पूछता है देन यू विल एक्सप्लेन बोथ द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिकन्स्ट्रक्शन। अगर स्पेसिफिक पूछता है इकोनॉमिकल रिकन्स्ट्रक्शन तो अलग अलग बात बताओगे, पॉलिटिकल पूछता है तो पॉलिटिकल बताओगे। फिर रीज़न फॉर आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपसे पूछ सकता है। फिर पोजिशन ऑफ वुमेन इन नाजी सोसाइटी, नाजी आर्ट एंड प्रोपेगेंडा, हॉलोकास्ट, व्हाट आर द एविडेंस विच शोज दैट नाजीज कमिटेड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये सारी ही चीज़ें आपको अलग अलग स्पेसिफिक वीडियोज़ में मिल जाएंगी, आप उन्हें ध्यान से देखिए, पढ़िए, साथ में बुक की भी रीडिंग लगाइए। फिर भी अगर कोई डाउट है देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।